धारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश के सम्मानित बहनों एवं भाइयों, देश के 78वें स्वाधीनता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। इस पावन अवसर पर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत सत नमन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों को मैं अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए, देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान हुए सभी वीर अमर सपीतों सपूतों को नमन करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अमृत काल में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन का यह शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर प्रदेश में वर्ष पर्यंत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन के माध्यम से हम देश की आजादी के महानायकों का स्मरण करेंगे। हमारा तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। इस वर्ष 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक वर्ष है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री रामलला के बाल विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जन आस्था के 5 शताब्दी के संकल्प को सिद्ध किया है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को पंच प्रण के संकल्प के साथ जोड़ा है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने राज्यों के विकास तथा गरीबी से मुक्ति को प्राथमिकता देने का मंत्र दिया है। राज्य सरकार उनके संकल्प के अनुरूप प्रदेश को समग्र विकास तथा बिना भेदभाव के सभी वर्गों, विशेष रूप से ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से प्रयास कर रही है। कभी बीमारू राज्य के राज्य और देश के विकास का बैरियर माने जाने वाला उत्तर प्रदेश आज अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रभावी रिसोर्स मोबिलाइजेशन से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के अंदर स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय जीडीपी में
9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। पिछले 7 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को भी हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। राज्य सरकार अंत्योदय के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान के लोगों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हर गरीब, जरूरतमंद और वंचित को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। विगत 7 वर्ष में 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया गया, 2.62 करोड़ से अधिक गरीबों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा प्राप्त हुई, 1.86 करोड़ गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन तथा 2.65 करोड़ से अधिक परिवारों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने और 15 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, गौड़ आदि वंचित समुदायों को आवास, राशन, जमीन के पट्टे, स्कूल आदि की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आजादी के बाद 70 वर्षों तक उपेक्षित रहे यह लोग आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़कर ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने डीबीटी द्वारा योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल रहा है। आकांक्षात्मक विकास खंडों के माध्यम से 100 पिछड़े विकास खंडों को विकास की मुख्य धारा से साथ के साथ जोड़ा जा रहा है। पात्र परिवारों के लिए लाभार्थी प्रक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने संकल्प किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प रहा है, कि हम देश को 0 पॉवर्टी के अभियान के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश आज जब अपनी आजादी का 78वां स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य 0 पॉवर्टी के उनके संकल्पों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेगा। हर परिवार के पास अपना फैमिली आईडी बनाकर के शासन की योजनाओं को 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा करेगा और इसके लिए प्रत्येक परिवार को फैमिली आईडी उपलब्ध करवाएगा। युवा भारत के विकास की धुरी है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जा से भरपूर है। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश के अंदर आज अपने युवाओं के लिए हम लोग आज एक नई योजना की घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, जिसके क्रम में आगामी कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की एक अभिनव योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत नौकरी की बजाय उद्यम
इसके लिए इच्छुक युवाओं को ऐसे 10 लाख नए एमएसएमई इकाइयों के गठन के लिए सरकार उन्हें आर्थिक रूप से उन्नयन करेगी और सपोर्ट करेगी। इसके माध्यम से 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की नई संभावना आगे बढ़ेगी। प्रदेश में अब तक हुए निवेश से 1,62,00,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं को अपनाकर 62,00,000 युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ने में मदद मिली है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 7 वर्ष में 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। तो स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को आकर्षित करने के लिए स्टार्टअप फंड की भी स्थापना की गई है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट का निःशुल्क वितरण प्रभावी ढंग से गतिमान है। तो प्रदेश सरकार प्रत्येक स्तर की शिक्षा के उन्नयन के लिए भी प्रभावी प्रयास कर रही है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप निर्मित हो रहे हैं। नए शैक्षिक सत्र में अब तक 20,50,000 से अधिक बच्चों ने परिषदीय स्कूलों में प्रवेश लिया है। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग आदि उपलब्ध कराने हेतु 1,200 रुपये की दर से धनराशि डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के माता पिता अथवा अभिभावक के खाते में छह से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा के लिए प्रत्येक मंडल में मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। अवशेष 57 जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय भी स्थापित करने की कार्रवाई गतिमान है। ऐसे भी क्षेत्रों में 190 नए राजकीय हाई स्कूल और 58 इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापित किए गए हैं। एक मंडल एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना साकार हो गई है। अब हम एक जनपद एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए हैं। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय ये संचालित हो चुके हैं। मुरादाबाद में गुरु जम्बेश्वर के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर मंडल में मां विंध्यवासिनी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, तथा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बनकर तैयार है, तो गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का कार्य भी तेजी के साथ निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। मेरठ में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। प्रदेश सरकार अपने अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारे अन्नदाता किसानों की ही मेहनत का परिणाम है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि में हमारा हिस्सा मात्र 12% है, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों के प्रयास का परिणाम है, उनके परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्न की 20% से अधिक की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक अपने 2,62,00,000 किसानों के खातों में
75,000 करोड़ रुपए से की अधिक धनराशि आंतरित कर चुकी है। अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण होकर 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सिंचन क्षमता के क्षमता सृजित कर चुकी है, जिसके माध्यम से 46,69,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की देने की व्यवस्था के तहत 14,00,000 से अधिक किसानों को अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल के बिल माफ किए गए हैं। सिंचाई हेतु जून मास तक 66,000 से अधिक सोलर पंप स्थापित भी किए गए हैं। एग्रीस्टेक योजना में 99,000 राजस्व गांवों को जियो रेफरेंस विलेज मैप तैयार किया गया है। 2024-25 में समस्त जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री को भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 25,000 किसानों को कार्बन क्रेडिट के रूप में 200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वर्ष 17 से अब तक 2,53,000 अधिक से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है। 23-24 में गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई। अगेती प्रजातियों का ₹370, सामान्य प्रजातियों का मूल्य ₹360 और अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य ₹355 प्रति क्विंटल अन्नदाता किसान को भुगतान किया जा रहा है। श्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु किए गए प्रयासों से वर्ष 22-23 में एवं 23-24 में मिलेट के क्षेत्रफल में 24.4% और उत्पादन में 14% की वृद्धि हुई है। जनपद आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का साउथ एशिया रीजनल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। 27 जनपदों में गंगा जी के तटीय क्षेत्रों का बुंदेलखंड में 1,24,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती का गौ आधारित प्राकृतिक खेती को प्रारंभ किया गया है। हम सब जानते हैं आधी आबादी के सशक्तिकरण के बगैर कोई भी समाज समृद्धि के नए पादान को नहीं छू सकता। प्रदेश सरकार आज प्रदेश की नारी शक्ति के उन्नयन के लिए उनके सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। देश व प्रदेश के विकास में इस आधी आबादी की बड़ी भूमिका है। महिला सशक्तिकरण के लिए इसीलिए सरकारों का पूरा ध्यान उस ओर गया है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 19,34,000 बालिकाओं को लाभान्वित कर रही है। योजना राशि अब लाभार्थी को ₹15,000 से बढ़ाकर के ₹25,000 की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 3,82,000 से अधिक गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह संपन्न कराने में सफलता प्राप्त हुई है, तो 39,000 से अधिक वीसी सखी द्वारा 26,853 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन और 72,30,00,000 रुपए का कमीशन भी अर्जित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति सफलतापूर्वक संचालित है, तो उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों और नोएडा ग्रेटर नोएडा के साथ 18 सेफ सिटी वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हम सब जानते हैं कि आज का युवा एक नई आकांक्षा के साथ विकास में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। इसके लिए प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम बनना और उसको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री जी के 5 ट्रिलियन
डॉलर की इकोनॉमी बनाने के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक नियोजित प्रयास कर रही है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश के निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उद्यमियों की सुविधा के लिए सरकारी सेक्टोरियल नीतियां लागू हैं। सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश मित्र, 43 विभागों की 487 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहा है। निजी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित हों, इसके लिए राज्य सरकार की अभिनव योजना फ्लेच पार्क योजना के अंतर्गत 11 जनपदों में फ्लेच पार्क स्वीकृत हुए हैं। 5 नए फ्लेच पार्क प्रक्रियाधीन हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित किए जाने के फलस्वरूप प्रदेश का निर्यात 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के आज 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 सहित अब तक प्रदेश को निवेश के लिए 40,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फरवरी 24 में संपन्न चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतारी गईं। विगत 7 वर्ष में राज्य में 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव धरातल पर उतार करके प्रोडक्शन के लिए तैयार है। एफडीआई एवं फॉर्चून 500 कंपनियों के लिए नीति घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। तीव्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ अवस्थापना सुविधाएं आवश्यक हैं। सर्वाधिक संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। मेरठ प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज महाकुंभ 25 से पूर्व संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 15 क्रियाशील एयरपोर्ट्स हैं, इनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल हैं। निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन के बाद उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य होगा। 6 शहरों में मेट्रो रेल संचालन के साथ उत्तर प्रदेश देश के सर्वाधिक शहरों में मेट्रो सेवा देने वाला राज्य है। भारत की पहली आरआरटीएस रैपिड रेल के संचालन का गौरव भी प्रदेश को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो सभी 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी बना रहा है। पिछड़े निकायों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए आकांक्षी नगर योजना प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन गठित करने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के गठन की प्रक्रिया तेजी के साथ सरकार ने आगे बढ़ाई है। इससे पूर्व प्रदेश में 1976 में एक नए औद्योगिक शहर नोएडा का गठन हुआ था। प्रदेश में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 7 वर्ष में पूर्वांचल समेत जनपद विभिन्न इस मौसम में
इंसेफ्लाइटिस से बड़ी संख्या में हजारों बच्चों की मृत्यु होती थी। हमारी सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय से इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रण करने में पूरी तरह सफलता प्राप्त की है। आयुष्मान भारत योजना का मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से 1,80,00,000 परिवार आच्छादित हुए हैं। देश में 5,11,00,000 आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश में 2023 में 48 करोड़ पर्यटकों को का आगमन हुआ है, जो देश का सर्वाधिक है। तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज तीर्थ विकास परिषद, बिंदधाम तीर्थ विकास परिषद, नेमिस धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद, सुख तीर्थ धाम तीर्थ विकास परिषद, अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के नियोजित विकास का कार्य प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रयागराज कुंभ 2019 ने स्वच्छता, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था के मानक स्थापित किए थे। राज्य सरकार नए कीर्तिमानों के साथ भव्य एवं दिव्य कुंभ महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विगत 7 वर्ष में प्रदेश में 168 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का यह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश ने 36,51,00,000 से अधिक वृक्षारोपण का कीर्तिमान स्थापित किया है। हम सब जानते हैं कि सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। रूल ऑफ लॉ की स्थापना से देश और प्रदेश में, दुनिया में प्रदेश का परसेप्शन बदला है। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नियत और सफल क्रियान्वयन के से अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। चिन्हित माफियाओं और दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई से प्रदेश में भय और आतंक का माहौल समाप्त हुआ है। आज प्रदेश दंगा मुक्त है। पर्व और त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अमृत काल के सारथी के रूप में ग्लोबल लीडर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उनके विजन को मिशन मानकर किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्मेंस का स्पीड को दुनिया बड़ी उत्सुकता से देख और सराह रही है। नए भारत का या नया उत्तर प्रदेश आज स्व से साक्षात कर रहा है। अपने टैलेंट, ट्रेडिशन और पोटेंशियल को पहचान कर सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। यहां आस्था, परंपरा और विरासत के सम्मान के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी पूरा ध्यान है। विकास और बदलाव के इस क्रांतिकाल में कतिपय लोग भले ही अपने कुत्सित मंशा से समाज में वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को चुनौती देना चाहते हैं, जाति और पंथ के नाम पर समाज में विष घोलने
वाले ऐसे स्वार्थी तत्वों को झूठ छल और प्रपंच के सहारे षड्यंत्रों को हमें सफल नहीं होने देना है। अफवाह फैलाने वाले ऐसे नीच स्वार्थी तत्वों को हमें पहचानना होगा। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने आस पड़ोस में घटित हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं रह सकते। जो ताकतें आज हमारे देश के पड़ोस में मानवता को शर्मसार करते हुए अराजकता की धुंधली बजा रहे हैं, वही हमारे गांव नगर और कस्बे के सामाजिक सौहार्द को भी मिटाने का कुचक्र रच सकते हैं। हमें इन विभाजनकारी ताकतों को पहचानना होगा, इनसे सावधान रहते हुए इनके कुत्सित प्रयासों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। स्वाधीनता आंदोलन देशवासियों से बलिदान की मांग करता था। स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान से स्वतंत्रता प्राप्त भारत, विकसित भारत बनने के लिए देशवासियों से सर्वश्रेष्ठ योगदान की अपेक्षा करता है। इस लक्ष्य को तय करने में प्रधानमंत्री जी का देशवासियों से पंच प्रण का आह्वान हमारा मार्गदर्शन करता है। हम सब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के इस प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ करके नेशन फर्स्ट के उनके आह्वान के साथ जुड़े। हमें याद रखना होगा, पंच प्रण में प्रधानमंत्री जी ने जो पांच महत्वपूर्ण प्रण प्रत्येक देशवासियों के लिए 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ, उस संकल्प के साथ हम सबको इस बात को ध्यान रखना होगा कि इसे प्राप्त करने के लिए नागरिक कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अगर उस संकल्प की पूर्ति वह ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत, आज हम देश के 78वें स्वाधीनता दिवस में हैं, आगामी 23-24 वर्ष के उपरांत जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमारे पास एक ऐसा भारत होगा जो विकसित भारत होगा, जो भारत की उस समय की पूरी आबादी के सपनों को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर एक नागरिक को सुरक्षा होगी, हर नौजवान के हाथ को कार्य होगा, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी होगा, हर महिला के सामने अपने उज्जवल भविष्य की योजना होगी। एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए एक विकसित भारत आवश्यक है, और विकसित भारत के लिए राष्ट्र प्रथम के इस मंत्र के साथ हम सबको जुड़ना होगा। यही आजादी के 78वें दिवस की हम सबका एक संकल्प बनना चाहिए। आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश पुलिस बल के जिन जवानों ने उत्तर प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दिया है, वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं। आज मुझे यहां पे अच्छा लगा जब मैं देख रहा था सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति विभाग ने जो यहां प्रस्तुत कराया, इसमें देश के अंदर के अलग अलग राज्यों से जिनमें उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक टीम ने जो मंचन यहां पर किया है, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम सब के लिए एक नया आदर्श प्रस्तुत करती है। इन सभी अतिथियों का जिन्होंने उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता दिवस के इस मुख्य आयोजन में आकर के अपना मंचन दिया है, इन सभी कला पारखियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था
और सुरक्षा का माहौल देने के लिए अहर्निश प्रयास करने वाले उत्तर प्रदेश के अपने सभी वीर जवानों को हृदय से उनको मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक के लिए जो हमारे 3 अधिकारियों का इस वर्ष हम लोगों ने चयन किया है, टीम ने सेलेक्ट किया है, उनमें श्री अनुराग आर्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली, श्री विपुल कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ, श्री अरुण कुमार हेड कांस्टेबल जनपद बिजनौर, इन्हें हम लोगों ने इस वर्ष उत्तर प्रदेश गृह विभाग की टीम ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा के सम्मानित करने का निर्णय लिया है। मैं इन्हें बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश के आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं फिर से एक बार महान देशभक्तों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति, भारत माता के उन वीर सपूतों के प्रति जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने आप को बलिदान किया है, उनके उन्हें उनका स्मरण करते हुए विनम्र उन्हें नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। जय हिंद। हेलो।